अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज दोस्तों एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है, और मैं लगातार आपको बताते रहता हूँ कि अफसोसनाक खबर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आती है। और लोगों का कहना है कि जब तक माननीय योगी जी वहाँ पर रहेंगे तो अफसोसनाक खबरें लगातार वहाँ से आती ही रहेगी। जी हाँ, बड़ी दो ख़तरनाक खबरें आ रही है कि योगी राज में, ये खबरें बता रही है कि योगी राज में किस तरीके से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बदतर हो चुका है, बुरा हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा कि विकास दुबे के वक्त में कि गुंडागर्दी की इंतहा हो गई है, कि आठ आठ सात सात पुलिस वालों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। तो यह है हमारा योगी जी का ठोंक दो वाला राज। और हाल ये हो गया है, अभी मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ कि योगी राज में सबसे ज़्यादा बदतर अगर किसी का हाल किया जा रहा है तो वो दलितों का हाल किया जा रहा है और मुसलमानों का बदतर हाल किया जा रहा है। और अभी ये जो खबर मेरे सामने आई है कि सहारनपुर में हिंदुत्ववादी आतंकवादी टोले ने, दबंगों ने बाकायदा इस तरीके से एक दलित नौजवान के साथ मामला किया है कि उसकी दाढ़ी मूंडी, उसकी मूछ काट दी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खबरें यह है कि फिर पूरे गांव वालों ने इस तरीके से उसको धमकाया कि आखिर वो नौजवान गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। जी हाँ, सहारनपुर के ठाकुर और दलित तबके के हसास तरीन एक गाँव है, बड़गांव थाना इलाके में रजत नामी एक दलित नौजवान है जिसकी जबरन दाढ़ी और मूछ काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल होती है क्योंकि आम तौर पे बड़ी जो भांड और रखेल मीडिया है उनको दलितों पर हो रहा जुल्म जो है बताने की फुर्सत नहीं है, मुसलमानों पर हो रहा जुल्म बताने की फुर्सत नहीं है, या जो कुछ भी बदमाशियाँ इस वक्त यूपी में चल रही है या मोदी राज में चल रही है वो बताने की उनको फुर्सत नहीं है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश का बड़ा बुरा हाल है क्योंकि 2022 का इलेक्शन किसी भी हाल में अब भाजपा जीतना चाहती है, और भाजपा को और योगी को यह यकीन हो गया है कि जिस तरीके से कोरोना ने पोल खोला है और गंगा में लाशें तैरती हुई लोगों ने देखा है और इंसानी लाशों को नोचते हुए कुत्तों को लोगों ने देखा है, तो अब लोग चाहते हैं कि इलेक्शन में योगी को नोच लिया जाए, मोदी को नोच लिया जाए, भाजपा को नोच लिया जाए। तो अब योगी, मोदी, भाजपा, अमित शाह सबको यकीन हो गया है कि उत्तर प्रदेश जीतना अब बड़ा मुश्किल है। और आप जानते हैं कि मुनव्वर राना नाम का एक शायर है, उसने तो यहाँ तक चैलेंज करते हुए कह दिया कि अगर योगी यूपी जीत जाता है और योगी अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनता है तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। यानी खैर, अब उनके दावा क्या है वो उसमें वो मकसद मेरा नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाए कि इस तरीके से अब लोग जान चुके हैं कि योगी का जीतना मुश्किल, भाजपा का जीतना मुश्किल। लेकिन फिर भी मेरा यकीन है कि भाजपा साम दाम दंड भेद हर तरह की जितनी घटिया हरकतें पूरी इस्तेमाल करेगी। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है 17 जुलाई को सहारनपुर में, आप जान देखें कि किस तरीके से योगी राज में दलितों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि 17 जुलाई को सहारनपुर में बड़गांव थाना इलाके में शिमलाना गांव में राजपूत समाज के कुछ नौजवानों ने एक दलित तबके के नौजवान की ज़बरदस्ती मूछ काटी। इतना ही नहीं, इस वाकये की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी की जा रही है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के बाद गांव के बाशिंदगान ने पंचायत मुनक्किद करके मुतासर नौजवान को धमकाया, जिसके बाद आखिर वो गांव छोड़कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस फिर लीपापोती कर रही है, और पुलिस का कहना है कि नौजवान गाँव छोड़कर भागा नहीं है, इम्तिहान देने के लिए मुजफ्फरनगर गया है। नौजवान का कहना है कि हफ्ते के रोज़ कुछ गैर समाजी आतंकी अनासिर ने नशे की हालत में बंदूक की नोक पर उसकी दाढ़ी मूछ काट दी। वाकये के दौरान रजत बार बार रहम की गुजारिश कर रहा था, लेकिन दबंगों ने उसकी एक नहीं सुनी और ना ही अपना उस तरह चलाता रहा। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस ने 22 जुलाई को आनन फानन 8 मुलजिमों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और जल्द ही 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।
سہارنپور کے ایس پی اتل شرما نے بتایا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس معاملے میں اب خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پر اب بھیم آرمی کے زونل انچارج پردیپ گوتم نے ایس ایس پی سے مل کر ملزمان پر این ایس اے کا اطلاق کا مطالبہ کیا کہ ان پر این ایس اے کا قانون لاگو کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر کافی اس معاملے میں ہنگامہ ہو رہا ہے۔ خیر خبریں تو آپ ویڈیو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لیکن خیر جس گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا وہ شبیر پور سے کچھ کلومیٹر دور ہے۔ شبیر پور کا آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں ٹھاکروں اور دلتوں میں زبردست بھڑت ہوئی تھی، تشدد برپا ہوا تھا اور دلتوں کے کئی درجنوں مکانات کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ یہ معاملہ اس وقت کافی چرچا میں آیا تھا اور بی ایس پی کی سپریمو محترمہ مایاوتی بھی اس گاؤں میں پہنچی تھی۔ یہ علاقہ دونوں برادریوں کی کشیدگی کی وجہ سے بڑا سینسٹیو اور بڑا حساس ہے، تاہم پولیس کسی بھی طرح کے تناؤ سے انکار کر رہی ہے۔ اس معاملے کا ایک المناک پہلو یہ بھی ہے کہ متاثرہ نوجوان کی ماں بھی کچھ سالوں پہلے ایسے ہی نفرت اور تفریق کا شکار ہوئی تھی۔ خیر میرا بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یوگی راج میں اب دلتوں اور مسلمانوں کا استحصال، جگہ جگہ مسلموں کی گورکشا کے نام پر ماب لنچنگ ہو رہی ہے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، تو 2022 جو ہے اس وقت یوگی جی کے لیے ماحول کو خراب کرنا بہت ضروری ہے، بھاجپا کے لیے پورے ماحول میں نفرتوں کی آگ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں عام جنتا سے یہ کہوں گا کہ اس معاملے کو پورا سمجھ لیں اور ماحول کو خراب ہونے نہ دیں، کیونکہ الیکشن آ رہا ہے اس لیے ماحول خراب ہونے کے زیادہ چانسیس ہے۔ لیکن اب دلتوں کو چاہیے، دبے کچلوں کو چاہیے، مسلم ایس سی ایس ٹی او بی سی کو چاہیے کہ اب اگر ظلم اور ظالموں کا خاتمہ کرنا ہے تو 2022 کا موقع آپ کے ہاتھوں میں ہے۔